सीएम मुलायम सिंह का निधन हो गया है। तो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली हैं और 22 अगस्त से मेदांता में उनका इलाज चल रहा था। तो आपको बता दें कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और जब जब वो बीमार हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो एक बार फिर से उन्हें परेशानी हुई थी, जिसके बाद 22 अगस्त को उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था और तब से उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद दुआओं का दौर चल रहा था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारे बीच वापस लौटे। लेकिन यहाँ पर दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह का निधन हो गया है। तो 22 अगस्त से मेदांता में वो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, परिवार वाले उनके साथ मौजूद थे और हेल्थ बुलेटिन उनका बीच बीच में जारी भी किया जा रहा था और जितने बार भी हेल्थ बुलेटिन उनका जारी हुआ यही अपडेट सामने निकल कर आई कि उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। लेकिन दुखद खबर यहां पर सामने निकल कर आई है। आलोक जी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी एक दुखद खबर यहां पर सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बड़ी दुखद खबर है, खासकर अगर देखें उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई तो एक बड़ी खबर है, दुखद खबर है निश्चित रूप से। और जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, निश्चित रूप से बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि लगातार मुलायम सिंह की सेहत के लिए दुआएं की जा रही थी, प्रार्थना की जा रही थी, पूजा पाठ हो रहा था कि जल्द ही उनकी जो है सेहत सही हो जाए। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो लगातार मेदांता अस्पताल जहां वो लगभग जो है 22 अगस्त से वहां पर भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था, तो लगातार हेल्थ बुलेटिन भी मेदांता की तरफ से जारी किया गया, जिसमें ये बताया जा रहा था बार बार कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, जीवन रक्षक प्रणाली और जीवन रक्षक दवाइयों पर वो चल रहे हैं, आईसीयू में थे, फिर बार कई बार उनको सीसीयू में यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया, क्योंकि जो संक्रमण था, इन्फेक्शन था, वो लगातार फैल रहा था, फीवर आ रहा था, किडनियों में दिक्कत हो रही थी। और आज ये खबर आई कि जो है सुबह 8:15 करीब जो है उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, खासकर एक बड़ा सदमा है अखिलेश यादव के लिए, उनके परिवार के लिए। निश्चित रूप से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और वो उनके बेटे हैं मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें तो उनका कद बहुत बड़ा था और इसीलिए हमने देखा कि पार्टी लाइन को छोड़कर तमाम पार्टियों के नेता मेदांता अस्पताल पहुंच रहे थे और लगातार जो है उनके सेहत के बारे में जानकारी ले रहे थे, अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे थे, क्योंकि उनके जो मित्र थे, उनके जो चाहने वाले थे, वो किसी एक पार्टी विशेष में नहीं थे बल्कि सभी पार्टियों के नेताओं से उनके संबंध थे और इसीलिए कहीं ना कहीं उनको प्यार से लोग जो है नेता जी कहते थे, वो इसी नाम से ज्यादा पॉपुलर थे। तो एक बड़ी खबर आई है, दुखद खबर है, खासकर जो है अगर राजनीतिक जगत की बात करें उत्तर प्रदेश के लिए, इसके अलावा चूंकि वो केंद्र में भी रहे, रक्षा मंत्री रहे और इसके अलावा जो है उनके तमाम पार्टियों में अपने बहुत घनिष्ठ संबंध थे सबकी, वो ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह ने सभी की मदद की, जो भी उनके पास गया उनकी हमेशा मदद की, वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे, एमएलसी रहे, सांसद रहे, रक्षा मंत्री रहे, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक लगा है, एक बड़ा झटका और एक बड़े सदमे में है लोग अभी जो है समाजवादी पार्टी के, खासकर बात करें और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव का जो है एक बयान भी ट्वीट किया गया है कि हमारे पिताजी नहीं रहे, तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, एक बड़ी दुखद घटना है। जी बिल्कुल, ये दुखद घटना है। आलोक जी आप बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त न्यूज एट शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, समाजवाद के मुलायम युग का आज अंत हो गया, दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। बहुत कम ऐसे राजनेता हैं जो अपने आप में एक संस्थान होते हैं और देश में इस तरह के राजनेताओं की पीढ़ी के बहुत ही अग्रिम पंक्ति के नेता मुलायम सिंह यादव रहे हैं। आप उनके राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो 55 साल की राजनीति उनकी, यानी आधी सदी पूरा, एक सदी यानी 100 साल और आधी सदी यानी 50 साल, आधी सदी यानी 55 साल का उनका राजनीतिक करियर और उसमें भी 8 बार विधानसभा सदस्य और 7 बार लोकसभा सदस्य। तो हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुलायम सिंह कितने बड़े नेता थे। 1967 में यानी करीब करीब 55 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एक विधायक के तौर पर की और देश की राजनीति में 2 बार वो रक्षा मंत्री रहे, देवेगौड़ा सरकार जब केंद्र में थी और गुजराल सरकार जब केंद्र में थी, और वो दौर जो देश में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत का दौर था, जिसका आरंभ 90 के दशक से लेकर 2000 और उसके बाद तक चलता रहा,
करीब करीब 20-25 साल की जो देश में गठबंधन की राजनीति रही, जो आज भी चल रही है और बहुत मजबूती से चल रही है, लेकिन 90 से लेकर 2005 और 10 तक आप कह सकते हैं कि उसने अपना चरम देखा। और मुलायम सिंह यादव उस दौर के ऐसे राजनेता थे कि जिनके बिना सरकारों का केंद्र में बनना, किसी भी गठबंधन का, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, हालांकि बीजेपी से उन्होंने हमेशा दूरी बनाकर रखी, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दल और मुलायम सिंह ये एक पूरक के तौर पर उभरते थे। एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने विद्वेष की राजनीति कभी नहीं की, प्रतिशोध की राजनीति कभी नहीं की। कभी उनको इस तौर पर नहीं देखा गया कि उन्होंने बहुत ही नकारात्मक राजनीति की हो। नेताजी, जैसा आलोक बता रहे थे कि नेताजी उनका प्रिय संबोधन था और नेताजी के नाम से वो जाने जाते थे। समाजवाद का प्रतीक जो लाल रंग की टोपी थी, गांधी टोपी की तरह, लेकिन रंग लाल होता था, जो लोहियावादी एक दृष्टि थी। और राम मनोहर लोहिया जो देश में समाजवाद के प्रवर्तक नेताओं में पहली पंक्ति के नेता रहे, उनके सबसे गंभीर शिष्यों में मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव माने गए। और यही वजह थी कि दोनों ने अपने अपने राज्यों में एक बहुत मजबूत राजनीतिक पारी खेली। बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, चाहे वो राम मंदिर से जुड़ती हों या मुस्लिम यादव गठबंधन से जुड़ती हों या फिर केंद्र में राजनीतिक यात्रा से जुड़ती हों। मुलायम सिंह यादव एक ऐसा नाम है जिनसे जिनके सभी राजनेताओं से बहुत गहरे और बहुत ही आत्मीय संबंध रहे। निश्चित तौर पर एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसको पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि समाजवाद का मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा और मजबूत स्तंभ अब ढहा है जिसकी कोई मिसाल देश में अभी तो मुझे नजर नहीं आती। जी शरद जी, मुलायम सिंह यादव की बात की जाए तो अपनी पार्टी के लिए एक ऑक्सीजन की तरह वो काम करते थे। जब जब हमने देखा पार्टी लड़खड़ाई, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। देखिए, कोई भी लीडर जो है वो सबसे उसका महत्वपूर्ण दायित्व तो यही होता है कि वो, जैसे आप और हम देखते हैं कि खेल में कोई भी खेल का डिसिप्लिन हो, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वहां जब भी संकट की स्थिति बनती है, जो टीम स्पोर्ट होता है, वहां कैप्टन की एक बड़ी अहम जिम्मेदारी हो जाती है और वो पूरी टीम के लिए एक मिसाल बनता है और सामने आता है और बताता है टीम को भी कि नहीं, देखिए चुनौती कितनी भी गहरी हो लेकिन हम जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे ही राजनेता रहे जो उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते थे और एक ऐसी पीढ़ी के राजनेता थे वो जिन्होंने राजनीति के हर मोड़ को बहुत नजदीक से देखा है। उन्होंने इंदिरा गांधी जी के उद्भव को देखा, 90 के दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी के उद्भव को देखा, बहुजन समाज पार्टी के उद्भव को देखा और खुद समाजवादी पार्टी के उद्भव को उन्होंने उत्तर प्रदेश में आरंभ से लेकर चरम तक जाते देखा। निश्चित तौर पर शिखर पर रहना किसी के लिए भी बहुत लंबे समय तक संभव नहीं है और ऐसा ही समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, जैसा बहुजन समाज पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को चार दलों की राजनीति में बदलने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका मुलायम सिंह यादव ने निभाई और समाजवादी पार्टी को वहां का, अगर आप पिछले चुनाव पर भी नजर डालें उत्तर प्रदेश के, तो समाजवादी पार्टी वहां एक ऐसा तत्व रही है जो बीजेपी के लिए हमेशा गहरी चुनौती के तौर पर रही है और पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी एक बहुत मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ी नजर आई और आज भी वो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव ऑक्सीजन नहीं, एक अद्भुत प्राण शक्ति रहे हैं हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए और उनके रहने से नई और पुरानी पीढ़ी के नेताओं को एक साथ आने और एक साथ जुड़ने का एक मौका मिलता था। अब अखिलेश यादव के लिए ये एक बड़ी चुनौती रहेगी कि वो पुरानी पीढ़ी के नेता, जिसमें रामगोपाल जी हैं और तमाम बड़े नेता हैं, आजम खान हैं और तमाम जो सीनियर लीडर हैं, ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी कि मुलायम सिंह जी के जाने के बाद वो नई पीढ़ी के प्रतिनिधि के तौर पर कैसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं के बीच अपने पिता की तरह समन्वय की एक कड़ी बनकर उभरते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका बातचीत के लिए।